बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से मुराद वो तमाम किस्म की एनर्जी जो मॉलिक्यूल की वजह से किसी भी सब्सटेंस के किसी गैस के अंदर हो सकती है। आमतौर पे ये मॉलिक्यूल की वजह से जो एनर्जीज हो सकती हैं, दे कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी प्रेजेंट ओनली इफ़ देर इज़ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो किसी ना किसी फोर्स फील्ड की वजह से होती है। लेकिन हमने आइडियल गैस के पास्टुलेट में देखा कि देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दूसरे लफ्जों में वहाँ पर कोई भी फोर्स फील्ड है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स, अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो देर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज़ ओनली ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल एक सिंगल एटम नहीं होता लाजमी तौर पर, इट कैन बी ऑफ मल्टीपल एटम। अब अगर वो मल्टीपल एटम से मिलकर बना है, दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उस सूरत में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी मुख्तलिफ फॉर्म में मॉलिक्यूल्स में मौजूद हो सकती है। मिसाल के तौर पे वो अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द स्पिन कर सकता है, यानी रोटेट कर सकता है, इसका मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो ऑसिलेट कर सकते हैं एटम्स, तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ऑसिलेटरी काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते हैं एंड देर इज़ नो इंट्रैक्शन एक्सेप्ट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ, वी कैन से दैट सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और ऑल द एनर्जीज मीन इट कैन बी पोटेंशियल एनर्जी, इट कैन बी काइनेटिक एनर्जीज। अब पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस इज इक्वल टू जीरो, जबकि काइनेटिक एनर्जी को हम फर्दर कह सकते हैं कि इट कैन बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट कैन बी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज, और इट कैन बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि आइडियल गैसेस में हम कह सकते हैं कि द टोटल एनर्जी इज, इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जीज। तो सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जीज विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी मुख्तलिफ तरीक़ों से इंक्रीज़ की जा सकती है, या इंटरनल एनर्जी मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है कि अगर हम हीट सप्लाई करें तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो सकती है, अगर हम वर्क करें सिस्टम पर तो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर सकती है। अगर हम इंटरनल एनर्जी को एक और तरीके से देखें कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्टेट पैरामीटर, तो स्टेट पैरामीटर का मतलब ये होना चाहिए कि स्टेट पैरामीटर का मतलब ये होना चाहिए कि जैसे हम किसी भी सिस्टम के लिए किसी एक पॉइंट को प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी वी टी वगैरह को स्टेट पैरामीटर्स कहते हैं। अब किसी दूसरे पॉइंट पर अगर हम प्रेशर को P2, वॉल्यूम को V2 और टेम्परेचर को T2 कहते हैं, तो इररिस्पेक्टिव कि हम कहाँ से
किस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे, हमारे पास इस पॉइंट पर प्रेशर पी टू ही होगा, वॉल्यूम वी टू ही होगा, टेम्परेचर टी टू ही होगा। इसी तरह अगर हम कोई और पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं तो भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू यही होंगी जो हमने डिफाइन कर दी या डिस्क्राइब कर दी। इसी तरह बिल्कुल अगर यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यू वन है और यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू यू टू है, तो इन रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉरवर्ड ये इस तरफ से इस जगह पर पहुँचे या इस तरह यहाँ पे पहुँचे, और अगर हम ये कहें कि इस पॉइंट पर अगर इसकी इंटरनल एनर्जी यू वन है, इस जगह पे यू टू है, तो वो इसी इतनी ही रहेगी। सो वी कैन से दैट इट इज़ आल्सो अ स्टेट पैरामीटर। अब कोई भी स्टेट पैरामीटर की तरह इंटरनल एनर्जी भी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है कि इंटरनल एनर्जी को हम एनालॉगस टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम आम तौर पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि ये इंटरनल एनर्जी यहाँ पर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यू वन है या यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यू टू है, बल्कि हम यहाँ पे इसकी रिलेटिव टर्म की बात करेंगे या रिलेटिव क्वांटिटी की बात करेंगे। मतलब ये कि हम जिस तरह वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी हम इंटरनल एनर्जी में चेंज को फोकस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी डेल्टा यू होगी बिटवीन दीज टू पॉइंट, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, हाँ वो यहाँ से होके जाए या इस पाथ को फॉलो करते हुए हम पहुँचें, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगी दैट विल बी दी सेम। जस्ट लाइक जिस तरह हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि यहाँ पे हमने एक ख़ास वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, अगर यहाँ से हम उठा के उसको यहाँ पे लेके आते हैं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में जितनी चेंज आएगी, हम अगर यहाँ से इधर आ जाएं, यहाँ से इधर आ जाएं, यहाँ से इधर आएँ, फिर यहाँ आएँ, उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में उतनी ही चेंज आती है, तो कोई फ़र्क नहीं होगा डायरेक्ट आने पे या इनडायरेक्ट आने पे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसलिए इंटरनल एनर्जी को हम स्टेट पैरामीटर कह सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम मुख्तलिफ सिस्टम में बयान करते हुए फर्स्ट लॉ के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक है वर्क एंड हीट, वर्क एंड हीट। इस टॉपिक के हवाले से कि हमने कहा कि हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाजमी तौर पे अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी हैव अ स्मॉल सिलेंडर विद फ्रीली मूवेबल पिस्टन अब यहाँ पे एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन है और इस सिलेंडर के अंदर एक आइडियल गैस फील्ड है। अब अगर वो आइडियल गैस फील्ड है जिसके n मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस सिलेंडर के अंदर एक ख़ास प्रेशर होगा, इसका एक सर्टन वॉल्यूम होगा, और अल्टीमेटली इसके अंदर एक सर्टन टेम्परेचर होगा। फ़र्ज़ करें कि हम इसको कुछ एक्सपैंड होने का मौका देते हैं कि ये पोजीशन वन से पोजीशन टू पर चला जाता है। अगर पोजीशन वन से पोजीशन टू पर जाए इस तरह के, इस सिलेंडर का जो ये फ्रीली मूवेबल पिस्टन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ वाई वन है, तो अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम ए इंटू वाई वन के बराबर होगा। अगर हम अलाउ करें इसको ऊपर उठने के लिए यानी एक्सपैंड होने के लिए, तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि या तो हम इसके अंदर प्रेशर को इंक्रीज़ करें या हम इसके ऊपर से प्रेशर को डिक्रीज़ करें। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो वी हैव टू ऐड सम हीट ताकि इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़े, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर बराबर सेम रहता हो तो उस सूरत में ये यहाँ तक पहुँचेगी
ये जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, पिस्टन मूव करना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ। लेट्स से कि ये हमारे पास इस जगह पे पहुंच जाता है जो कि वाई टू, जिसकी हाइट बन जाती है, एरिया सेम है ए। अब लाजमी तौर पे ये पोजीशन वन से पोजीशन टू तक अगर पिस्टन मूव किया है तो इट मींस कि वर्क तो हुआ है। अब वर्क होने की वजह क्या थी कि जो हमने इसमें हीट ऐड की होगी उसकी वजह से अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब प्रेशर बढ़ा। और अगर हम इसको स्लोली एंटर करते हैं, बिकॉज अगर हम इसको ज़्यादा तेज़ी से एंटर करेंगे तो और वो एक्सपेंशन के लिए हीट एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ टाइम जो चाहिए होता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो स्लोली ऐड करने की सूरत में ये स्लोली ऊपर की तरफ उठता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अब देखा जाए तो इस जगह पर ऊपर उठने की वजह ये है कि इसकी फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से कि दिस इज द डेल्टा वाई डिस्टेंस विच इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। डेल्टा वाई डिस्टेंस ये ऊपर की तरफ उठा है तो उस सूरत में जो वर्क डन हुआ वो किसके बराबर आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमारे पास एफ डॉट डेल्टा वाई के बराबर होगा। चलिए मैं इसको डेल्टा डब्ल्यू कह देता हूं। अब ये जो वर्क हुआ है अब मैंने इसको वर्क बराबर एफ डॉट डेल्टा वाई का मतलब होगा एफ इंटू डेल्टा वाई। यहां पे कॉस ऑफ जीरो आएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में इस प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो रही है, तो ये एफ इंटू डेल्टा वाई के बराबर आ जाएगा। अब एफ डेल्टा वाई को अगर हम देखें तो ये फोर्स असल में रिलेशन होता है प्रेशर के लिए, पी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मींस अगर हम इस प्रेशर की वजह से फोर्स की बात करें तो इट विल इक्वल टू पी इंटू ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, या हम कह लें कि उस पिस्टन का सरफेस एरिया होगा, और पी यहाँ पे प्रेशर होगा, और वी आर गोइंग टू कीप द प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे हम इसको पी ए इंटू डेल्टा वाई लिख देंगे जो कि वर्क डन के बराबर होगा। अब ए इंटू डेल्टा वाई असल में इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो ये चेंज इन वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी, और वी कैन राइट इट एज वी टू माइनस वी वन। वी टू वॉल्यूम यहाँ पे पोजीशन टू पर टोटल वॉल्यूम, माइनस पोजीशन वन पे वॉल्यूम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वर्क डन के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया ये कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम में इंक्रीज कितनी आई। अब वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रही होगी, और वर्क डन विल बी नेगेटिव अगर वी टू की वैल्यू स्मॉल होगी वी वन से। इट मीन्स कि वी टू स्मॉल होने का मतलब कंप्रेशन हो रहा होगा, यानी फाइनल वॉल्यूम कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो उस सूरत में ये कंप्रेशन होगी, तो कंप्रेशन की सूरत में वर्क डन नेगेटिव आ जाता है। ये था हमारे पास फार्मूला फॉर वर्क डन इन थर्मोडायनामिकल सिस्टम, जहाँ पे हमने एक आइडियल गैस को एक सिलेंडर के अंदर इंक्लोज किया फॉर एन विद एन आइडियल पिस्टन विच इज टोटली फ्रिक्शनलेस। होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि इससे अगले टॉपिक्स में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।